बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एबटाबाद से तकरीबन 13-14 किलोमीटर आगे नथिया गली की तरफ जा रहे हैं। ये खूबसूरत मनाजर देखने के काबिल हैं। आज मेरे सफ़र के साथी मोहतरम जनाब नासिर शाह साहब, अख्तियार खाशकली साहब भी मौजूद है। आज 13 मई 2022 इस खूबसूरत इलाके नथिया गली की जरम जाते हुए ये वीडियो हम भर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के इलाके कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। यहाँ दरख्त देखें, अगर दूसरे सूबों के रहने वाले साथी भी थोड़ा थोड़ा अपने इलाकों में दरख्त लगाना शुरू करें, जो गर्मियों में आदमी इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं, ये अपने इलाकों को भी इस तरह खूबसूरत कर सकते हैं। क्योंकि दरख्त ही वो वाहिद चीज़ है जो हमें ठंडक दे सकते हैं, हमारे इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये बुलंद बाला पहाड़ इनकी एक अपनी कुदरत की तरफ से है, मगर जो नज़ारे की चीज़ें होती है ये यहाँ का जो हमें ठंडक महसूस हो रही है देखने के काबिल है। जब भी आप लोगों को मौका मिले एबटाबाद से निकले नथिया गली के लिए, कितने खूबसूरत रोड है, कितना पुरअमन इलाका है। क्योंकि इलाका जितना भी खूबसूरत हो उससे ज़्यादा वहाँ का अमन अमान होता है। यहाँ रास्ते में कोई 14 किलोमीटर एबटाबाद के बाद भी हमें किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका, किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। सफ़र के दौरान बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ना उठाएं जो हुकूमत वक्त ने मना की हो। आएँ ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़ देखें, एक दिल खुश हो जाता है। उसी इलाकों में छोटी छोटी दुकानें भी आपको मिलेंगी, दरख्तों का नज़ारा भी मिलेगा। मैं अब्दुलहमीद आरई दोबारा भी अपनी टीम के साथियों का नहायत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे शाह साहब का जिसने हमें दावत देकर यहाँ पे बुलाया, उन्हीं के साथ आज का सफ़र हम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज के सफ़र की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें आप लोगों से शेयर करें, हम कोशिश करें इन चीज़ों को अपने पास भी लगाएं। मेहरबानी।